Hello students, today we will deal with community based rehabilitation, what it is, why is it necessary and how we provide community based services. आज हम लोग community based rehabilitation services के बारे में बात करेंगे. So community based rehabilitation है क्या? According to WHO 2010, CBR is a strategy within general community development for the rehabilitation, equalization of opportunities and social inclusion with disabilities. तो community based rehabilitation क्या है? ये एक strategy है हमारे community development के लिए, rehabilitation के लिए, equalization के लिए. सारे जितने भी लोग हैं, जितने भी जातियां हैं, जितने भी धर्म हैं और जितने भी disabled लोग हैं, जितने भी types के, उन सबके social inclusion करने के लिए और development के लिए ही community based rehabilitation बोलते हैं. तो community based rehabilitation में सबसे important आती है community. So community can be described as people living together in some form of social organization and cohesion, having different economic, social, political and cultural characteristics, interest and aspirants. ये सबको मालूम है कि community क्या है, जिसमें बहुत सारे social, अलग अलग society होते हैं, political parties होती हैं, cultural characteristics भी अलग होते हैं और इंटरेस्ट और एस्पिरेंट्स भी अलग होते हैं. सो व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ सीबीआर? सीबीआर मतलब कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन अराउंड 90 कंट्रीज़ में चल रही हैं और इसके जो प्रिंसिपल्स हैं, जो हमने अभी डिस्कस किया डेफिनेशन में ही, इंक्लूजन है, पार्टिसिपेशन है. इंक्लूजन मतलब सबको इंक्लूड करना, ऑल टाइप ऑफ डिजेबिलिटी शुड बी इंक्लूडेड. पार्टिसिपेशन है कि उन डिजेबल्ड लोगों को एक जगह नहीं रखना है, उनको पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित करना. एम्पावरमेंट है कि डिजेबल्ड लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ देनी है कि वो कुछ अर्न कर सकें. इक्विटी, इक्विलिटी, रेजिंग अवेयरनेस, अवेयरनेस की बहुत कमी होती है. क्यों? प्रिवेंशन भी आ जाता है इसमें डिजेबिलिटी का, और अगर डिजेबल्ड है तो उनको कहाँ जाना है, कैसे सर्टिफिकेशन लेना है, कहाँ ट्रेनिंग लेनी है, ये सब अवेयरनेस. सेल्फ एडवोकेसी हो गया कि आप जो हैं डिजेबल्ड लोग जो हैं वो अपने बारे में आवाज़ उठाएं. और जेंडर सेंसिटिविटी हो गया, मेल फीमेल ये जो चीज़ें होती हैं, तो इसको जो है अगर फीमेल है किसी ऑफिस में या स्कूल में, या मेल ही है, उनके प्रति जो है वो डिफरेंस नहीं रखा जाए. और पार्टनरशिप हो गया, बहुत सारे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो आपस में मिल करके, और फैमिली और कम्युनिटी सब मिल करके और पार्टनरशिप करके और सीबीआर प्रोग्राम्स बनाते हैं. अब गोल्स ऑफ सीबीआर में आ गया, हेल्पिंग पीपल टू प्रमोट एंड सिक्योर ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज बाय रिमूविंग हिंड्रेंस टू पार्टिसिपेंट्स, और प्रमोट capacity building, empowerment and community mobilization of people with disabilities and their families. तो सभी मिलजुल के इसमें काम करते हैं सोसाइटी में. अब ये सी बी आर मैट्रिक्स आ गया जो WHO ने दिया, जिसमें कि पांच जो पिलर्स हैं, दैट इज़ हेल्थ, एजुकेशन, लाइवलीहुड, सोशल और एम्पावरमेंट. हेल्थ में आ गया प्रमोशन ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स, प्रिवेंशन ऑफ डिजेबिलिटी, मेडिकल केयर, रिहैबिलिटेशन और असिस्टिव डिवाइसेस के बारे में जानकारी देना और प्रोवाइड करना. एजुकेशन में हो गया अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन और लाइफ लॉन्ग लर्निंग, जो हम लोग वोकेशनल ट्रेनिंग भी जो बोलते हैं, वो इसमें आ गया. लाइवलीहुड में आ गया स्किल्स डेवलपमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, वेज एम्प्लॉयमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज और सोशल प्रोटेक्शन टू. सोशल में आ गया आपका पर्सनल असिस्टेंस, जो स्पेशल एजुकेशन देते हैं पर्सनल केयर से लेकर के ऊपर तक, ऊपर के लेवल तक. और रिलेशनशिप, मैरिज एंड फैमिली, अगर डिसेबल्ड लोग चाहते हैं आपस में शादी करना तो वो कोई रोक नहीं सकते हैं. कल्चर और आर्ट्स के बारे में सीखना, सिखाना, रिक्रिएशन, लेजर, स्पोर्ट्स में जो स्पेशल ओलंपिक्स होते हैं तो उसमें बढ़ावा देते हैं डिजेबल्ड को. और जस्टिस,
ये आते हैं सोशल में। एम्पावरमेंट आ गया कि एडवोकेसी, कम्युनिकेशन, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाना और डिजेबल्ड पीपल ऑर्गेनाइजेशंस बनाना, ताकि वो अपने अपने जैसे लोगों से मिले और एक्सपीरियंस शेयर करें और एक दूसरे को ट्रेनिंग दें और सीखें। सो द सोल ऑफ सी बी आर लाइज इन द इन्वॉल्वमेंट एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल विद डिजेबिलिटीज एंड देयर फैमिलीज। कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन इज अ कम्युनिटी डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी दैट एम्स एट एनहेंसिंग द लाइव्स ऑफ पर्सन विद डिजेबिलिटीज विद इन देयर कम्युनिटी। थ्रू द कलेक्टिव efforts of people with disabilities, their families, communities, and both governmental and non-governmental organizations who are working tirelessly in disability and development। अब इसमें tirelessly काम करते हैं medical professionals भी होते हैं, special educators भी होते हैं, speech therapist, audiologist, psychologist और कई तरह के लोग involve होते हैं जो tirelessly काम करते हैं और output देते हैं। So ये तो हो गई कोविड के पहले की बात, अब तो ऑनलाइन हेल्थ हो गया है। तो आप देखेंगे कि ऑनलाइन भी ट्रेनिंग दी जाती है कोविड पीरियड में, जब आप स्कूल नहीं आ सकते हो, स्पेशल स्कूल नहीं आ सकते हो, तो ट्रेनर जो है ऑनलाइन वाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ट्रेनिंग देता है, फिजिकल थेरेपी देता है या पेरेंट्स को ट्रेनिंग देता है। अब यहाँ बस दिक्कत उन लोगों को आती है जो गाँव में रहते हैं और जिनके पास लैपटॉप की सुविधा नहीं है, नेट की सुविधा नहीं है, तो वहाँ पर डिजेबल्ड लोगों को ट्रेनिंग पहुँचाना मुश्किल है। बट मैक्सिमम यूज़ आजकल जो है कोविड में, और कोई चारा नहीं, एटलीस्ट नहीं से कुछ भला, और एटलीस्ट हमने स्टार्ट किया है एंड दिस इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन। तो मैनेजमेंट साइकिल जो होती है सीबीआर, इसमें फोर स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट सिचुएशन एनालिसिस, प्लानिंग एंड डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन।